महिला तस्कर गिरफ्तार। 90 ग्राम स्मैक बरामद। घर से स्मैक की पुड़िया बनाकर बेच रही थी। बाड़मेर जिले के गुड्डा मलानी थाना इलाके में मादक पदार्थ की तस्करी कर रही एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 90 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। वहीं पुलिस महिला से मादक पदार्थ की खरीद को लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी महिला केबिन की आड़ में स्मैक की पुड़िया बनाकर बेच रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुड्डा मलानी इलाके भीलों का वास में एक महिला स्मैक की बेचने का काम कर रही है। इस पर पुलिस ने जानकारी पुख्ता कर पुलिस टीम ने भीलों का वास में दबिश दी। घर के बाहर केबिन की आड़ में पुड़िया बनाकर वो स्मैक बेच रही थी। पुलिस ने महिला और उसके घर की तलाशी ली तो उसके पास करीब 90 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने महिला कमला देवी पत्नी रमेश कुमार से मादक पदार्थ को लेकर पूछताछ की गई, लेकिन संतोषजनक जवाब वो नहीं दे पाई। महिला आरोपी को पकड़कर थाने ले जाया गया है। नवभारत समाचार, गुड्डा मालानी, बाड़मेर, राजस्थान से रमेश रामावत की रिपोर्ट। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विजय आनंद जी के द्वारा मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मुखबिर से सूचना मिली थी कि भीलों का वास गुड़ा मालानी में एक महिला है जो स्मैक बेचती है, स्मैक की पुड़िया बना के बेचती है। इस पर मन थानाधिकारी जाप्ता के द्वारा वहाँ पहुँचे तो उसके जो महिला थी उसके घर से 90 ग्राम स्मैक बरामद की और उसको दस्तावेज के थाने आए। इसमें मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान